महानगर पालिका चुनाव का प्रचार आज 6:30 बजे तक जोरों शोरों से किया गया। 19 अप्रैल को चुनाव होगा तो 21 अप्रैल को नतीजा सामने आएगा। चुनाव के प्रचार के लिए आज 6:30 बजे तक का ही समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया था। विद्यार्थी के लिए खुशखबर, लाउड स्पीकर से अब राहत मिलने वाली है। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो गई है। सभी राजकीय पक्षों ने अपनी ताकत के अनुसार मतदान का प्रचार किया। 19 तारीख को 17 प्रभागों के 66 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। राजकीय पक्षों से लेकर अपक्ष उम्मीदवारों ने अपने प्रचार के लिए जोर लगाया। 19 अप्रैल को 17 प्रभागों में 66 सीटों के लिए मतदान होगा। कुल मिलाकर 460 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। अंतिम समय में सभी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। कांग्रेस भाजपा के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, बसपा के साथ अन्य पक्षों के लिए भी चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस से प्रचार कार्य का कार्यभार पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया, भाजपा से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, विधायक नाना श्यामकुले, पालक मंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने संभाली है। 19 अप्रैल को 3,20,379 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान का शत प्रतिशत बढ़ाने के लिए मनपा की ओर से भी विविध उपक्रमों का आयोजन किया गया था। इक्कीस अप्रैल को मतदार और उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होके मनपा का नेतृत्व किन हाथों में जाएगा, इसका चित्र पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव के नतीजे के बाद 66 उम्मीदवारों के सपने पूरे होंगे। अब देखना होगा कि ये 66 उम्मीदवार कौन है। आने वाली 21 तारीख ही बताएगी कि सत्ता की चाबी किन के हाथ होगी। हैदर शेख, सिटी केबल समाचार, चंद्रपुर।